मध्य प्रदेश में बीजेपी की दमदार हुई री एंट्री और इसमें सबसे बड़ा रोल था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो बेशक ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बलबूते ही बीजेपी ने अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बना ली है। और इसी के साथ साथ अगर विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को खड़ा नहीं किया तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद घट गया हो। भले ही आज उन्हें मध्य प्रदेश में कोई भी पद नहीं मिला, लेकिन आपको ये बता दे कि राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ वो केंद्र में मंत्री भी है, केंद्रीय मंत्री है। बीजेपी ने एक प्रयोग किया और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ प्रयोग करते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी मैदान में उतारा। जीतने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया, प्रहलाद पटेल को राज्य में पंचायत मंत्री का पद दिया गया। फग्गन सिंह कुलस्ते हार गए तो केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ उनके नाम के साथ अब हार का टैग भी लग गया। बात रही ज्योतिरादित्य सिंधिया की, ये भी मध्य प्रदेश से आते हैं। इसके बाद राजनीतिक सियासी जानकारों को यह कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बीजेपी ने एक बड़ा लक्ष्य तैयार किया है, बड़ा प्लान बनाया है और इसीलिए उन्हें विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा था। पहली वजह, लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि सिंधिया को उतारा जाए और उनका यूज किया जाए चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए, क्योंकि एमपी में सिंधिया का क्या वर्चस्व है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भले ही वो चुनावी मैदान में नहीं थे लेकिन उनके नाम पर वोट खूब मिले। ग्वालियर चंबल जिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने उनका पूरा साथ दिया और वहां बीजेपी को बंपर जीत भी मिली। तो एक वजह यह बताई जा रही है कि लोकसभा का चुनाव उनको लड़वाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उन्हें दिल्ली में और ज्यादा मजबूत करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है, कोशिश की जा सकती है। अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं और एमपी से चुने गए एक ऐसे नेता हैं और किसी भी नेता का इतना बड़ा कद दिल्ली में नहीं हुआ है जितना बड़ा कद ज्योतिरादित्य सिंधिया का माना जा रहा है। तो हो सकता है कि उन्हें संगठन में भी बड़ी जगह दे दी जाए, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जो एमपी से है अब वो वहां पर विधायक बन चुके हैं। इसके साथ साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। प्रहलाद सिंह पटेल को विधायक होने के साथ साथ वहां पर मंत्री पद भी दिया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते को हालांकि नहीं दिया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर उनसे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाया गया तो सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी संगठन में दी जा सकती है। इसी के साथ साथ अब एमपी के तमाम नेताओं के लिए दरवाजे भी खुल गए हैं, सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही क्यों। ये कहा जा रहा है कि और भी ऐसे मंत्री हो सकते हैं जिन्हें केंद्र में एमपी की तरफ से तवज्जो दी जाए, यानी कि मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों का नाम अब केंद्र की राजनीति में भी चमक सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक चेहरे अब केंद्र यानी कि दिल्ली दरबार में भी दिखाई देंगे। और इसके साथ ही ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बेशक एमपी में कद घट गया हो ज्योतिरादित्य सिंधिया का, लेकिन केंद्र में आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया दमदार नजर आ रही है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।